मूवी की शुरुआत में हमें 1964 पाकिस्तान का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक अंसारी नाम का आदमी कुछ लड़कों को ये बता रहा होता है कि उन सब लड़कों को कश्मीर भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर का समय आ चुका है। लेकिन उस ऑपरेशन के बारे में एक आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है, जिसका नाम तारिक होता है। उसे ये सब गलत लगता है, इसीलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उन्हें रोक नहीं पाता और वो बच्चे कश्मीर चले जाते हैं। अब कहानी 20 साल बाद यानी 1984 में शिफ्ट होती है, जहां हम लोग एक आफरी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो पाकिस्तान से होती है पर इंडिया में रह रही थी और एक सच्ची देशभक्त भी है। तभी आफरीन टीवी पर देखती है कि किसी ने उसके देश का फ्लैग जला दिया है। अब आफरीन गुस्से में एक प्रोफेसर की कार में आग लगा देती है। प्रोफेसर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि माफी मांगो, नहीं तो 10 लाख रुपए दो। अब आफरीन तो ठहरी देशभक्त, वो माफी मांगने से मना कर देती है और कहती है कि मैं 10 लाख रुपए दे दूंगी। अब आफरीन घर आती है और सोचती है कि मेरे पास 10 लाख तो नहीं है। फिर वो अपने दादाजी से मांगने के लिए पाकिस्तान कराची जाती है। जब वो पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि उसके दादाजी कोई और नहीं बल्कि तारिक ही हैं, और उनकी कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी आफरीन के नाम हो जाएगी, पर उससे पहले उसे एक काम करना होगा कि इंडिया जाकर वो किसी सीता नाम की लड़की को एक लेटर देकर आएगी। ना चाहते हुए भी आफरीन इंडिया हैदराबाद निकल जाती है। वहां उसका साथ बालाजी नाम का आदमी देता है। वो दोनों उस बताए एड्रेस पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहां पर पैलेस होना चाहिए था वहां पर गर्ल्स हॉस्टल है। उस हॉस्टल का आदमी उन्हें बताता है कि सालों पहले यहां एक पैलेस हुआ करता था, पर यहां की नूर जहां बेगम ने लड़कियों के लिए इस पैलेस को डोनेट कर दिया। अब आफरीन वहां पर काम कर रहे एक आदमी से पूछती है तो वो बताते हैं कि यहां पर सीता महालक्ष्मी नाम की कोई भी लड़की नहीं पढ़ती है और ना ही रहती है। आफरीन बहुत उदास हो जाती है, फिर कहती है कि क्यों ना हम राम को ढूंढ लें तो सीता आसानी से मिल जाएगी। अब वो लोग इंडियन आर्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक वो राइटर हैं और राम पे एक बुक लिख रही है। और आफरीन को राम के एक दोस्त विकास के बारे में पता चलता है तो वो लोग विकास के पास पहुंच जाते हैं। अब विकास फ्लैशबैक में उसी बच्चों की स्टोरी सुनाता है जो कश्मीर आए थे। बताया जाता है जब अंसारी ने उन बच्चों को पाकिस्तान भेजा था तो उन्हें इंडिया की नागरिकता मिल जाती है, और ये बात अंसारी को भी पता होती है। इसीलिए वो अपने एक आदमी को उन 5 बच्चों के बारे में इंडियन आर्मी को बताने को कहता है। यही उसका प्लान था कि इंडियन आर्मी उन बच्चों को मार दे ताकि अंसारी पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़का सके। होता भी कुछ यही है। इंडियन आर्मी को एक जमील इन्फॉर्मर ने बता दिया था उन बच्चों के बारे में और उन्हें ढूंढकर इंडियन आर्मी ने उन्हें मार भी दिया, पर वहां के लोगों को लगा कि वो बच्चे बेकसूर थे और उन्हें यूं ही मार दिया गया। इसीलिए राम जमील इन्फॉर्मर को ढूंढने लगता है। वो उसे बहुत ढूंढता है पर जमील उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन इधर अंसारी रेडियो की हेल्प से इंडियन आर्मी और कश्मीरी पंडित के खिलाफ भड़काने लगता है, पर ये बात राम भी सुन लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब कश्मीरी पंडित जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम अगरता होता है, और वहाँ किसी फेस्टिवल की वजह से भीड़ भी होती है। अब राम उन कश्मीरी पंडित को बचाने के लिए उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। उधर कश्मीरी लोग पूरे अगरता में आग लगा रहे होते हैं तो राम जाकर उन्हें समझाता है, पर वो नहीं समझते हैं और राम को भी मारने लगते हैं। तब राम का भी हाथ उठ जाता है और वो उन्हें मारने लगते हैं। तभी राम की नजर जमील पर पड़ती है। राम उसे पकड़कर कहता है कि सबको सच सच बताओ, तो जमील भी सबको सच सच बता देता है कि सारा काम पाकिस्तान के एक अंसारी नाम के आदमी करवा रहा है और उसी ने इन 5 बच्चों को भेजा था। अब सारे लोग मिलकर वहां की आग बुझाते हैं और सारे हिंदू मुस्लिम खुशी खुशी साथ हो जाते हैं। अब ये इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर थी, इसीलिए इंडियन आर्मी के पास आकाशवाणी से एक लक्ष्मी नाम की एक रिपोर्टर पहुंचती है। वो सब आर्मी ऑफिसर्स की आवाज आकाशवाणी से उनके घर पर पहुंचाती है। पर जब राम की बारी आती है तो लक्ष्मी को पता चलता है कि राम का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। इसीलिए लक्ष्मी आकाशवाणी के जरिए राम की स्टोरी सबको सुनाती है और कहती है कि इंडिया के लिए तो राम है, पर राम के लिए कोई है जो उसके लिए लेटर लिखेगा। ये बात पूरी इंडिया में फैल जाती है और अगले ही दिन उसे बैग भर के लेटर्स आते हैं, जिसमें राम को कोई बेटे के रूप में तो कोई भाई के रूप में लेटर लिखता है और राम उनके लेटर्स का भी जवाब देता है। पर उन्हें लेटर में से एक लेटर सीता महालक्ष्मी नाम की लड़की का होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसे पति के रूप में मान चुकी होती है। उसके बाद दोनों के लेटर के जरिए से बात होने लगती है, पर सीता उसे कभी भी अपना एड्रेस नहीं बताती है। अब राम अपने दोस्तों से कहता है अब जब भी उसे छुट्टी मिलेगी तो वो उन सब लोगों से मिलने जाएगा, पर वो सीता से कैसे मिलता। सीता तो उसे एक लेटर में मैजिक शो के बारे में बताती है जो कि हैदराबाद में होने वाला था और वो उसे वहीं मिलेगी। अब राम के लिए इतना काफी था, इसीलिए वो अपने दोस्त विकास के साथ हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। अब राम दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली सारी ट्रेन को चेक करता है और आखिर में सीता उसे मिल भी जाती है। राम समझ जाता है कि यही सीता है और राम उसे अपने दोस्त
दूरदया शर्मा का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर देता है। अब राम अपने दोस्त दूरदया शर्मा के घर जाकर लैंडलाइन पर सीता के फोन का वेट करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लैंडलाइन तो काफी दिनों से खराब है और वो अपने दोस्त दूरदया शर्मा को काफी सुनाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो सीता से कभी भी नहीं मिल सकता। पर कुछ दिनों के बाद सीता राम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां उसे कहती है कि उसका राम से मिलने का कोई मन नहीं था, वो उसे मजाक कर रही थी, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें विकास आफरीन को बताता है कि मुझे बस यहीं तक पता था। उसके बाद आफरीन राम के दोस्त दूरदया शर्मा के पास जाती है तो वो उन्हें बताता है कि वो लोग उस सीता के बताए हुए मैजिक शो में जाते हैं, जहां उसे सीता बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती है। तब सीता के दोस्त राम को बताती है कि सीता ने तुम्हारे लिए काफी लेटर लिख रखे थे, पर उसने कुछ ही लेटर तुम्हें भेजे थे। अब राम और सीता साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तब राम को पता चलता है कि सीता उसे काफी पहले से जानती है। वो बताती है कि अगरता की लड़ाई में वो कश्मीर में ही थी, वो वहां घूमने गई थी और वहीं फंस गई थी। तब राम ने उसकी जान बचाई थी और कहा था ये उसकी पत्नी है, पर राम ने उसका फेस नहीं देखा था। अब राम को पता चलता है कि सीता नूरजहां पैलेस में वहां की लड़कियों को डांस सिखाती है और राम उससे वहां जाकर शादी के लिए पूछता है, पर सीता कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां दूरदया शर्मा उसे बताता है कि मुझे इतना ही पता होता है, और आफरीन को एक फोटो दिखाता है सीता की। वो उस फोटो को लेकर महल में जाती है, जहां सीता की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी और नीचे लिखा था नूरजहां बेग। तो आफरीन समझ जाती है कि सीता ही नूरजहां बेगम है और इतने दिनों से अपनी पहचान छुपा रही थी। अब आफरीन सीता की फ्रेंड रेखा से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैंने सीता को कहा था कि वो अपनी सच्चाई राम को बता दे, तो वो राम को बताने ही वाली होती है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ओमान के सुल्तान ने सीता की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया था, जिससे उनका काफी नुकसान हो जाता है। और सीता का भाई सीता की शादी ओमान के सुल्तान से करवाने की सोचता है और ना चाहते हुए भी सीता को हाँ बोलना ही पड़ता है। तब राम पैलेस आता है और वो कहता है कि वो उन सबसे मिलने जा रहा है जिन्होंने उसे लेटर लिखा था। फिर सीता भी उसके साथ जाती है और सोचती है कि रास्ते में उसे सब बता दूंगी। वो दोनों सबसे मिलते हैं, उसी बीच एक आदमी उन दोनों की फोटो ले लेता है। और अब राम कश्मीर चला जाता है और सीता उसे कुछ नहीं बता पाती। अब कुछ दिनों के बाद सीता और राम की फोटो पेपर में छपती है, जिससे उसका भाई उसे बहुत डांटता है। तब सीता बोलती है कि चाहे आप मेरी सारी प्रॉपर्टीज रख लें, पर मैं राम से ही शादी करूंगी। और नूर जहां राम से मिलने के लिए कश्मीर चली जाती है। और अब रेखा कहती है मुझे यहीं तक पता है। अब आफरीन सीता को ढूंढने के लिए कश्मीर चली जाती है, जहां विष्णु शर्मा काफी दिनों से आफरीन को ही ढूंढ रहा था और उसे अपने केबिन में बुलाता है। उसे मालूम है कि वो सीता और राम के बारे में सब कुछ जानता है और उसके दादाजी तारिक के बारे में भी पता है। अब वो बताते हैं कि जब वो एक पार्टी में थे तो एक रसूल नाम का आदमी उन्हें मारने के लिए आया था, पर राम उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है। तब रसूल उन्हें बताता है कि उसकी छोटी बहन अंसारी के कब्जे में है और उसी ने मुझे विष्णु शर्मा को मारने के लिए भेजा था। अब राम रसूल से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन वायदा को जरूर लेकर आऊंगा। अब राम और विष्णु शर्मा उसे लाने पाकिस्तान जाते हैं, जहां वो अंसारी को मारकर उस बच्ची को लेकर आ ही रहे होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और काफी टॉर्चर करने लगती है। और कुछ दिनों के बाद इंडिया के पास एक डील रखते हैं कि पाकिस्तान का भी एक आदमी तुम्हारे पास है और इंडिया के दो आदमी हमारे पास है। तब दोनों देश अपने एक एक आदमी एक्सचेंज कर लेते हैं, पर पाकिस्तान वाले विष्णु शर्मा को छोड़ते हैं, राम को नहीं। अब कुछ दिन बाद इंडिया के एक बेस कैंप पर पाकिस्तान बुरी तरीके से हमला कर देता है, जिसे सब कहते हैं कि इस बारे में पाकिस्तान राम ने ही बताया है और सब उसे गद्दार कहने लगते हैं। साथ में विष्णु शर्मा आफरीन को बताता है कि वो वाहिदा नाम की लड़की जिसको राम ने बचाया था वो कोई और नहीं आफरीन ही है। अब विष्णु आफरीन से पूछता है कि वो लेटर कहाँ है जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सीता को देने के लिए दिया था। वो कहती है कि वो लेटर बालाजी सीता को देने गया है, जहाँ सीता राम के उस आखिरी लेटर को पढ़कर बहुत खुश होती है, क्योंकि राम ने उसके लिए काफी बातें लिख रखी थी। अब इधर विष्णु नहीं चाहता था कि वो लेटर किसी भी हालत में सीता तक पहुंचे। अब हमें पता चलता है कि जब राम और विष्णु जेल में थे तो पाकिस्तान वालों ने विष्णु को उसकी फैमिली की धमकी देकर उससे सारे इंडिया के राज उगलवा लिए थे और उसका एक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते थे। और बेस कैम्प के बारे में भी उसने विष्णु ने ही बताया था। जब विष्णु जेल से छूट गया था तब राम को भी फांसी दे दी गई थी, और फांसी से पहले राम ने ये लेटर तारिकी को दिया जो आफरीन के दादाजी थे। और राम का लेटर सीता तक पहुंचते पहुंचते 20 साल लग गए थे। साथ ही राम को ये पहले ही पता चल गया था कि सीता ही नूरजहां है। और फिर आफरीन सीता के पास जाकर उसे थैंक यू कहती है। एंड में इससे पहले कि विष्णु पर कार्रवाई होती वो पहले ही सुसाइड कर लेता है और अब राम को सम्मानित किया जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। Fearless. Fearless.
Oh,